पंजाब के वोटर्स को और ख़ास तौर पे जो पंजाब के यूथ निकली है, नौजवान निकले हैं, और उसके बाद जो ख़वातीन निकली हैं और जिस तादाद पे निकली हैं इस बाय इलेक्शन में वोट डालने के लिए, मैं आज आपका शुक्रिया अदा भी करता हूँ, आपको खैराज तहसीन भी पेश करता हूँ। मेरे पाकिस्तानियों, ये एक मेरे मुल्क के लिए एक बहुत ही खुशाइन वक्त है। मैं क्यों समझता हूँ कि ये पाकिस्तान की तारीख में एक ऐसा वक्त आया है जो हम सबको अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। वो क्यों कि देखिए, एक कौम के अंदर जब शऊर आ जाता है, जब वो बेदार हो जाती है, जब उसको सबसे बड़ी बात कि अपने नज़रिए की समझ आ जाती है कि क्यों बनी थी ये कौम, तो इससे ज़्यादा हम अल्लाह का शुक्र अदा नहीं कर सकते। मैंने ये सारे कैंपेन के अंदर अपनी कौम को एक ही चीज़ बताई कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, और तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। देखिए, ये है नज़रिया पाकिस्तान। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह एक फ़लसफ़े का नाम है। हम इसको जिस दिन हम समझ गए, हम अपना नज़रिया समझ जाएंगे, और जब हम अपना नज़रिया समझ गए तो ये कौम एक अजीम कौम बन जाएगी। कभी भी कौम नज़रिए के बगैर नहीं बनती। एक कौम जिसका नज़रिया ही नहीं है वो कौम ही नहीं बन सकती, वो हुजूम होता है अवाम का। तो मैं आज खुश हूँ। देखिए, जब एक बैरूनी साजिश के तहत हमारे ऊपर ये इम्पोर्टेड हुकूमत मसलत की गई, तो सबसे बड़ी बात यह कि अवाम ने ये पूछना शुरू किया कि क्या अगर हमने अंग्रेज़ की ग़ुलामी से निकल के फिर कायद-ए-आज़म ने जदोजहद करके हिंदूस की ग़ुलामी से निकाल के पाकिस्तान बनाया था, तो हम किसी और की ग़ुलामी के लिए तैयार नहीं हैं। और जिस तरह एक बैरूनी साजिश जो हमारे उसके तहत हमारे ऊपर ये लोग मुसलत किए गए, मैंने अपनी कौम के अंदर वो शऊर और बेदारी देखी जो मैं अभी तक नहीं देखी थी। और मैं इसलिए खुश हूँ कि अब हम अल्लाह के फजल से एक कौम बनने जा रहे हैं। और जब एक कौम बन जाती है ना मेरे पाकिस्तानियों, सुनने ज़रा, जब हम कौम बन जाएंगे और बनने की तरफ जा रहे हैं, तो ये जो मसले हैं ना, हमारे कर्जे के, हमारे मसले हैं कि जी हमारे पास पैसा नहीं है मुल्क चलाने के लिए, ये जितने भी हमारे मसले हैं ये सारे हल होना शुरू हो जाएंगे। आप ये सोचें कि इस मुल्क की कितनी बदकिस्मती है कि जो लोग इस मुल्क के एलीट हैं, अशराफिया हैं, कितने लोग हैं जो पैसे वाले, जिन्होंने बाहर फ्लैट नहीं लिए हुए, लंदन में फ्लैट लिए हुए हैं, मुल्क से बाहर पैसा रखा हुआ है। ये क्यों रखा हुआ है? ये इसलिए रखा हुआ है कि बिलीव ही नहीं करते पाकिस्तान में। आपने कभी सुना है कि बरतानिया या फ्रांस या यूरोप या वो अपने पैसे मुल्क से बाहर रखें, अपने बच्चों को बाहर का शहरी बना दें? कभी आपने सुना है? तो एक तरफ हम जो लीडरशिप है वो कहती है कि हम पाकिस्तान के लिए मरने के लिए तैयार हैं, और पैसे हमने अपने बाहर रखे होते हैं, जायदादें हमारी बाहर हैं, हम ईदें बाहर गुजार रहे हैं, अपनी छुट्टियाँ, इलाज, सब कुछ बाहर कर रहे हैं, शॉपिंग बाहर है। देखिए, ऐसे कौम नहीं बन सकती। मैं पहली दफ़ा ये कौम के अंदर जो बेदारी देख रहा हूँ, मैं मैंने अल्लाह का ख़ास रात को शुक्र अदा किया कि एक वो कौम जो इतनी कुर्बानियों से भरी थी, कायद आज़म की अगर आप उनकी तारीख पढ़ लें तो जिस तरह की वो उनकी जो सेहत थी और जिस तरह उन्होंने एक अपनी सेहत को नज़रअंदाज करके बीमारी का भी नहीं पता चलवाने दिया डॉक्टर्स को, ताकि मुखालफिन को ना पता चल जाए, वो पाकिस्तान बनने से रोक दें। उस तरह की कुर्बानियों से मुल्क बना था। और जो हम बड़े हो रहे थे, सारे इस पंजाब से जो लोग आए थे, और मेरी अपनी फैमिली वहाँ से जब पार्टीशन के ऊपर आज़ादी पे यहाँ पाकिस्तान आए थे, शायद ही कोई ख़ानदान था जिन्होंने वो कत्लेआम नहीं देखी। तो इसलिए जिधर आज हम खड़े हैं, हमें सारी कौम को फ़ख्र करना चाहिए कि जिस तरह लोग निकले और जिस तरह फिर से ख्वातीन निकली, यानी घरों में इनकलाब आया और जो हमारा नौजवान निकला, ये एक नया पाकिस्तान है। नया पाकिस्तान जो मैं बड़ी देर से अल्लाह से दुआ मांगता था कि वो पाकिस्तान बने जो हमारे जो मेरे माँ बाप थे, उनकी सारी जनरेशन, वो सारे बेचारे मायूस होते गए जब देखा कि उस नज़रिए से हम पीछे हटते गए। अब मैं जो मुल्क के हालात के ऊपर बात करना चाहता हूँ, देखें हमारी जब हुकूमत थी तो एक सियासी बुरहान पैदा किया गया, मसनूई सियासी बुरहान। एक हुकूमत चल रही थी, पाकिस्तान की इकोनॉमिक सर्वे के अंदर आप पढ़ लें, ये हुकूमत की इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक जो छपती है कि जो जायज़ा लेती है मुल्क की जो मायशत ऊपर जा रही है, क्या कर रही है, उसके ऊपर उसकी तबीयत कैसी है, तो पाकिस्तान की इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक 17 साल के बाद सबसे ज़्यादा हमारे आखिरी 2 साल में मुल्क की इकॉनमी तरक्की की है, हमारे ग्रोथ रेट बढ़ी है 5.6% तीसरे साल और 6% जिस साल हमें हटाया गया। उस वक्त मुल्क की सारी जो इंडिकेटर्स थे वो सही तरफ जा रहे थे। सबसे बड़ी चीज़ होती है लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, आपकी इंडस्ट्री। जब आपकी इंडस्ट्री बढ़ती है तो सबसे ज़्यादा रोज़गार देती है। हमने इन सारी हुकूमतों से ज़्यादा कोरोना के बावजूद सबसे ज़्यादा रोज़गार दिया था। तो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जब बढ़ती है, आपका टैक्स बढ़ता है, वो जब बढ़ती है, रोज़गार के अलावा मुल्क के अंदर वेल्थ क्रिएशन होती है, दौलत में इजाफा होता है। तो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड तरीके से बढ़ रही थी। ज़रात, जिसके ऊपर हमारी 60% आबादी अपनी ज़रात के ऊपर डिपेंड करती है, ज़रात के अंदर 4 फसलों के अंदर रिकॉर्ड 2 साल रिकॉर्ड परफॉर्मेंसेस थी। किसानों के पास वो पैसा गया जो इतनी सालों के बाद कभी ऐसा पैसा नहीं ट्रांसफ़र हुआ था किसानों के पास। जो गन्ने की बेचारा किसान जो पहले बाहर शुगर मिल्स के इंतज़ार करता था, उसको पैसे भी नहीं मिलते थे, कटौती होती थी, और वो उसके बाद कुछ जब कम, अगर 180 रेट है तो उस बेचारे को 120 मिलता था, और फिर वो एक साल के बाद सब कुछ हमने ख़त्म किया, कानून बनाए और उनको पैसा दिलवाया, सबसे ज़्यादा पैसा दिलवाया। पैसा गया देहातों की तरफ, उसके बाद वहाँ खुशहाली आई, रिकॉर्ड मोटरसाइकिल सेल्स हुई, इसका मतलब वहाँ पैसा गया। तो ज़रात भी सही रास्ते पे थी, हमारी इंडस्ट्री भी सही रास्ते पे बढ़ रही थी, टेक्सटाइल के अंदर सारे रिकॉर्ड टूट गए। फैसलाबाद के अंदर मजदूर नहीं मिलते थे टेक्सटाइल के लिए, इंडस्ट्री के लिए। तो उस दौर के अंदर जब हमारी एक्सपोर्ट्स भी रिकॉर्ड हो गई, हमारी रेमिटेंसेस भी रिकॉर्ड हो गई, यानी सब पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज़्यादा मुल्क में डॉलर्स आ रहे थे। और उस वक्त जब आईटी, देखिए फ्यूचर इस मुल्क का टेक्नोलॉजी में, आईटी में, हमने जो उनको आईटी की इंडस्ट्री की मदद की, 2 सालों में 75% हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ी और हम सही रास्ते पर निकल गए थे। तो उस दौर में जब एक मुल्क सही तरफ क्या चला गया था, और IMF, ये याद रखें, आज कहते हैं जी हम IMF के मजबूर हैं, हम 2.5 साल IMF के साथ थे, हम भी मजबूर थे IMF के प्रोग्राम में होते हुए। और अब इन्होंने कहा ना जी आलमी महंगाई हुई, आलमी महंगाई तो पिछली गर्मियों से शुरू हो गई थी। हम जब कहते थे आलमी महंगाई है तो ये कहते थे महंगाई मार्च करेंगे। तो जब सारी चीज़ें पॉजिटिव जा रही थी और इसके बावजूद कि हम IMF में भी थे, उसके बावजूद जब हम वो पाकिस्तान को फलाई रियासत की तरफ लेके जा रहे थे, जो पाकिस्तान का नज़रिया था, इस्लामी फलाई रियासत। हमने पहली दफ़ा हेल्थ कार्ड, कभी सुना है कि किसी भी मिडिल इनकम ग्रुप, गरीब को तो छोड़े, जो अपने सारे ख़ानदानों को एक हेल्थ इंश्योरेंस दे रहा है 10 लाख रुपए की, कहीं भी जाके अपना इलाज करवा सके। एहसास प्रोग्राम हमारा इंटरनेशनली एक्नॉलेज हुआ, जो गुर्बत कम करने के लिए प्रोग्राम था। इंटरनेशनल एक्नॉलेज कैसे हुआ कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च एक उन्होंने रिसर्च करके फैसला किया कि पाकिस्तान को एहसास प्रोग्राम फलाई रियासत की तरफ लेके जा रहा था, कामयाब पाकिस्तान था, सस्ते कर्जे निचले 20 लाख खानदानों को दे रहे थे ताकि हुनर अब सीख सकें, ताकि वो दुकानें खोल सकें, किसान पैसा लगा सकें, सूद के बगैर कर्जे दे रहे थे घर बनाने के लिए, फिर पूरी एक हाउसिंग का हमारा पूरा इंसेंटिवाइज कर रहे थे, बैंक पैसे दें, कम सूद के ऊपर लोग घर बनाएं, जितना किराए देते थे उसी किराए के ऊपर किस्तें पे करके अपना घर बना लें। ये सारी चीज़ें चल रही थी। इस वक्त साजिश करके हमारी हुकूमत गिराई गई, और जब हमारी हुकूमत गिराने जा रहे थे तो मैंने और शौकत तरीन ने पूरी कोशिश की आगाह करने के लिए कि ये जो आज हालात है इंटरनेशनल, जिधर एक आलमी महंगाई आई हुई है जिसको कहते हैं कमोडिटी सुपर साइकिल, और उसके अलावा जो इस मुल्क के अंदर, जो हमारे मुल्क के अंदर जो हालात हैं इस वक्त, अगर ये गवर्नमेंट गिराई गई तो जब सियासी अगर बुरहान आया तो माइशत नहीं संभाली जाएगी। हमने ये आगाह किया, वो लोग जो रोक सकते थे इसको, कि माइशत ही संभाली जाएगी। और ख़ास तौर पे इन लोगों से आप ज़रा इनका ट्रैक रिकॉर्ड देखें, ये कब इन्होंने हमारी मुल्क की माइशत ठीक की है। और सबसे बड़ी इंडिकेशन होता है जब आप एक मुल्क की माइशत को ठीक करते हैं तो आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ती हैं, जिससे डॉलर्स मुल्क में आते हैं, जिससे वेल्थ क्रिएशन होती है। इनके पिछले 5 साल तो एक्सपोर्ट्स बढ़ी नहीं, जो ये नून लीग के 5 साल थे। इनके जो दूसरे दौर में जो 97 से 99 तक था, तब भी कोई इनकी एक्सपोर्ट्स के अंदर इजाफा नहीं था। दोनों दफ़ा इन्होंने इतने बड़े बैरूनी खसारे छोड़ के गए, तो इनसे तो बढ़नी नहीं थी। और हमें पता था कि क्यों आना चाहते हैं, और वो वाजे हो गया। आते साथ ही इन्होंने अपने करप्शन के केसेस माफ़ करवाने की कोशिश की, वो असेंबली से बिल पास करवा दिया, जो इंशाल्लाह मैं कल असेंबली सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर रहा हूँ कि 1100 अरब रुपए के, जब आप उसको एग्जामिन करें, 1100 अरब रुपए का जो पैसा इस मुल्क का चोरी हुआ है, जो ये लोग जो असेंबली में बैठे हुए हैं, इनका माफ़ होने जा रहा है। और इसलिए वो आए थे, केसेस अपने ख़त्म करवा रहे हैं। FIA का केस जो शहबाज शरीफ के ऊपर, ओपन एंड शट केस, उसके और उसके बेटे के ऊपर 16 अरब रुपए, वो माफ़ करवाने जा रहे थे। तो ये होना ही था जो हुआ है। और आज हम किधर खड़े हैं? आज ब्लूमबर्ग, जो अब एक इंटरनेशनल अदारा है, सब इकोनॉमिस्ट जानते हैं, उस इंटरनेशनल इदारे के मुताबिक आज पाकिस्तान 4थे नंबर पे है वो मुल्क जो डिफ़ॉल्ट करने जा रहा है। डिफ़ॉल्ट का मतलब कि हमारे पास, हम बैंकक्रप्ट होने जा रहे हैं, मुल्क का दिवालिया निकलने जा रहा है। जिस तरह श्रीलंका जो नंबर 1 पे है, जिस तरह श्रीलंका का हाल है, अब हम 4थे नंबर पे आ गए। ये और मूडीज़ ने पाकिस्तान की नेगेटिव रेटिंग कर दी है। मूडीज़ है जो अदारा फैसले करता है कि मुल्क के कर्जे देने की उसकी क्या काबिलियत है, कर्जे वापस करने की क्या काबिलियत है। हम जब थे उन्होंने नेगेटिव से उसको पॉजिटिव किया था, आज वो फिर नेगेटिव पे चली गई है। इसका मतलब कि हमें कर्जे भी मिलेंगे तो बहुत महंगे कर्जे मिलेंगे, और वो भी हमारी, वो जो हमारे जो बॉन्ड्स हैं उनकी अब कीमत देखें किधर से किधर गई है, यानी किस कीमत के ऊपर पाकिस्तान को अब कर्जा मिलेगा। मुझे जो सबसे ज़्यादा खतरा है वो वापडा का है। वापडा खुद कर्जे लेती थी बाहर ये डैम्स बनाने के लिए, आज उसकी रेटिंग नीचे गिर गई है। इसका मतलब वापडा को बाहर से कर्जे नहीं मिलेंगे, और ये जो इतनी 50 साल के बाद डैम्स बनाने जा रहे थे। तो आज ये जो सारा माशी बुरहान है, इसकी वजह थी ये सियासी बुरहान जो इनकी साजिश की वजह से आया था। और मुझे कोई चीज़ नहीं नज़र आ रही कि आप ये इसको कैसे रोक सकते हैं। आप ये सोचें कि रिजर्व्स हमारे आधे हो गए जब से ये आए हैं, जब से ये सियासी बुरहान शुरू किया था उससे अब आधे रिजर्व्स हैं जो फॉरेन एक्सचेंज। रुपया हमारा गिर के तकरीबन 28 रुपये गिर चुका है। और सबसे ख़तरनाक चीज़ ये है कि IMF की अग्रीमेंट के साइन होने लगी है, रुपए को तो मजबूत होना चाहिए था, वो मजीद और 10 रुपया गिर गया। तो आगे अगर जिस तरह के हालात हैं, आगे अगर अब हमने अब सबक ना सीखा और ये ना समझा कि जब तक सियासी स्टेबिलिटी, जब तक सियासी बुरहान ख़त्म नहीं होगा, ये माइशत अब और मजीद नीचे जाएगी। और मुझे ख़तरा है कि उधर ही ना पहुंच जाए कि सबके हाथ से ही निकल जाए। इसलिए एक ही रास्ता है अब आगे, और वो एक रास्ता है साफ और शफाफ इलेक्शंस करवाने का। और मैं आज अपनी कौम के सामने जो चीज़ रखना चाहता हूँ, जिस तरह का इन्होंने पंजाब में इलेक्शन करवाया, ऐसा अगर इलेक्शन करवाना है और अगर ये इसी तरह के आगे इलेक्शन करवाने हैं, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इससे बुरहान बढ़ेगा, कम नहीं होगा। हर हरबा इस्तेमाल किया गया हमें इलेक्शन हराने का। सारी जितनी पंजाब की हुकूमत के पास जितने भी तरीके थे हमें इलेक्शन हराने के, उन्होंने सारे इस्तेमाल किए। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी कि किसी किस्म का, जब उन्होंने एक गैर आइनी तौर पे उन्होंने इजाजत दी हमजा शरीफ को चीफ मिनिस्टर बनने की, तो सुप्रीम कोर्ट ने साथ कहा कि किसी किस्म की मुदाखलत नहीं होगी स्टेट मशीनरी की इलेक्शन पे। इन्होंने हर किस्म की मुदाखलत की, एक तो स्टेट मशीनरी पूरी इस्तेमाल की, FIRs काटी, पुलिस के जरिए डराया धमकाया गया, हर जगह से हमारे पास कंप्लेंट्स आए कि जो पुलिस ने हरकतें की। कई जगह थे ऐसे पुलिस ऑफिसर्स, तो वो मैं आज दाद दूंगा, वो इसके बावजूद कि उनके ऊपर प्रेशर डाला गया कि मदद करें इनको जताने की नून लीग को, उसके बावजूद उन्होंने रेजिस्ट किया। उनको मैं सलाम करता हूँ, लेकिन मेरे एक एक वो याद है मुझे जिस पुलिस ऑफिसर ने, सिर्फ यही नहीं कि उन्होंने मुदाखलत की, वो बल्कि नून लीग के जाले बन के उन्होंने हमारे खिलाफ एक्टिविटी की, हमें एक एक याद है। सुप्रीम कोर्ट की ये वायलेशन थी, कंटेम्प्ट था। सुप्रीम कोर्ट ने जो इनको कहा था कि इन्होंने किसी किस्म की, क्योंकि ये आर्जी चीफ मिनिस्टर, ये केयर टेकर टाइप था, इसका काम ही नहीं था हमजा शरीफ का कि जिस तरह इस्तेमाल करता पुलिस को। लेकिन मुझे जो सबसे ज़्यादा मुझे जो अफसोस है वो ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जो बदयानतदारी की है, एक तो अहलियत भी इसके अंदर नहीं है, 40 लाख लोगों को इन्होंने उनको पता चला कि जी वो कोई कंप्यूटर मिस्टेक हुई और मर गए। कहीं दुनिया के अंदर और अगर ये होता 40 लाख वोटर मर जाते, उसको रिजाइन करना पड़ता। लेकिन उसके अलावा इसने पूरी तरह शिरकत की नून लीग को जताने के लिए। हम 8 हमारे पास केसेस हैं, 8 केसेस हैं जो हम इलेक्शन कमीशन के पास गए और वो जायज़ केसेस लेके इसके पास गए, इसने रिजेक्ट कर दिए। हम फिर अदालत में गए और 8 दफा अदालत ने हमारे साथ खड़े होके इनको ओवर रूल किया, इलेक्शन कमीशन को। जिसका मतलब कि इलेक्शन कमीशन ने जान के हमारे खिलाफ जजमेंट दी थी। इस इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर हमें कोई एतमाद नहीं है। इन्होंने इलेक्शन करवाया सेनेट का, सुप्रीम कोर्ट ने इजाज़त दी कि आप सेनेट के वोट को वेरीफाई करें। इस इलेक्शन कमीशन को और सारी पॉलिटिकल पार्टीज को पता है कि 30 साल से सेनेट के सीक्रेट बैलेट के ऊपर पैसा चलता है। मैंने पूरी कोशिश की, हम ही सुप्रीम कोर्ट के पास गए और सुप्रीम कोर्ट ने इसको रोकने के लिए इजाज़त दी कि हाँ आप वोट को वेरीफाई कर सकते हैं। इस इलेक्शन कमीशन ने उसको ओवर रूल किया। और उसके बाद जो इलेक्शन हुआ, जो पिछले सेनेट इलेक्शन में पैसा चला है, पाकिस्तान की तारीख में इतना पैसा नहीं चला। यूसुफ रजा गिलानी का भाई बेटा पकड़ा गया पैसे देते हुए, इसी इलेक्शन कमीशन ने उसको इन्वेस्टिगेट किया। 1.25 साल हो गया, कोई एक्शन नहीं लिया इसने। यानी किसी और दुनिया के अंदर एक इलेक्शन कमिश्नर जिसका काम है, इसका मैंडेट है फ्री एंड फेयर इलेक्शन, वो जब देखता पकड़ा गया कोई इलेक्शन की चोरी करते हुए, पैसे दे के रिश्वत, कोई एक्शन नहीं लिया। जिसकी वजह से खुलेआम तस्वीरें आई हैं कि इलेक्शन के अंदर पैसा चल रहा था, खरीदे जा रहे थे वोट, खानेवाल के अंदर तस्वीरें आई हैं, पैसे दे रहे हैं, अभी इस इलेक्शन के अंदर खुले पैसे दे रहे हैं। ये वायलेशन है। ये इलेक्शन, ये सारी जो इलेक्शन कमीशन के अंदर जो कानून है, आप पैसे दे के वोट नहीं खरीद सकते, रिश्वत नहीं आप दे सकते। किसी को डर ही नहीं था, क्योंकि इसने कभी रोका किसी को नहीं, क्योंकि ये सिर्फ रोकता था तहरीक इंसाफ को। इसके सारे फैसले हमारे खिलाफ गए और ये उनको मदद करता था। अब सिंध के अंदर लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन हुआ, कभी इलेक्शन कमीशन ने कोशिश किया पता चलवाने के लिए कि सिंध इलेक्शन, लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन में 15% कैंडिडेट्स ने टिकट अनअपोज जीत गई पीपल्स पार्टी? कभी पता चलवाया? डस्का का इलेक्शन हुआ, वहाँ तकरीबन 400 पोलिंग स्टेशन में सिर्फ 20 पोलिंग स्टेशन के ऊपर आरओ ने कहा कि बेजाबते हुए हैं। इसने सारा इलेक्शन खोल दिया पीटीआई के हमारे अगेंस्ट, जो हमें हरवाया इसने। तो जब लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन सिंध का हुआ है, 15% लोगों ने इलेक्शन पे खड़े ही नहीं हुए। पता चलवाया क्यों? और जब पता चलवाएंगे, पीपल्स पार्टी ये हुकूमत ने पूरी पुलिस का इस्तेमाल किया। पता चलवाएं कितनों के ऊपर FIR काटी उन्होंने, और पता चलवाएं कि क्यों सिंध का इलेक्शन कमीशन ने, जो उनका सिंध का इलेक्शन कमीशन, क्यों नहीं वो बोला? क्योंकि वो सिंध गवर्नमेंट का नौकर है, वो दोनों जगह से पैसे ले रहा है, सिंध गवर्नमेंट से भी ले रहा है, इलेक्शन कमीशन से भी ले रहा है। इसका कोर्ट पड़ा हुआ है, इसका केस पड़ा हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, जो सुना ही नहीं जा रहा। तो क्या वजह है कि ये इतनी बड़ी इलेक्शन के अंदर जो ओपनली धांधलियां होती हैं उसको फिक्र ही नहीं है। सिर्फ तहरीक इंसाफ डस्का के ऊपर वो खड़ा हो गया कि जी बड़ा उसने कोई इंसाफ देना। ये इस इलेक्शन के अंदर इस इलेक्शन कमीशन ने हर बार इस्तेमाल किया हमें हराने का। हम आज जीते हैं तो इसके बावजूद, हम जीते हैं तो स्टेट मशीनरी जो इन्होंने इस्तेमाल की उसके बावजूद जीते हैं। हम जीते इसलिए हैं कि पाकिस्तान के वोटर जिस तरह निकला है, जनरल इलेक्शन में ऐसा वोटर नहीं निकला जो कि इस बाय इलेक्शन में निकला है। मैं 26 साल से जलसे कर रहा हूँ। मेरी तो कोई इलेक्टेबल ना था, ना मेरी कोई फैमिली थी पॉलिटिक्स में। मैं तो शुरुआत थोड़े से लोगों से और आहिस्ता आहिस्ता पब्लिक में जाके बेदारी पैदा करके, और एक दिन 14-15 साल के बाद दिन ऐसा आया कि लोगों ने मेरी बात सुननी शुरू कर दी। बातें यही मैं कह रहा हूँ, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये मैं 26 साल से कह रहा हूँ, ये कोई नई बात नहीं कर रहा। लेकिन एक वक्त आया कि अल्लाह ने लोगों के दिलों में डाल दिया और मेरी पार्टी खड़ी होनी शुरू हुई। और मैंने सारी पॉलिटिक्स की है पब्लिक को साथ मिला के। कभी 26 साल में मैंने कभी इस तरह की बेदारी नहीं देखी, मैंने कभी अपनी कौम में ऐसा शोर नहीं देखा जो मैंने इस बाय इलेक्शन इन 3 महीने में देखा। जब मुझे साजिश के तहत 9 अप्रैल को जब मैं प्राइम मिनिस्टर हाउस से निकला अपनी डायरी पकड़ के, तो मेरे मुखालफिन सब का जिन्होंने साजिश की उनका ख्याल था कि अब मिठाइयाँ बंटेगी और सारी दुनिया इसको बुरा भला कहेगी। मीडिया का पूरा एक ग्रुप साथ मिला हुआ था इनके, और उन मीडिया ने पूरी कैंपेन चलाई इसके अगेंस्ट। मैं फिर सलाम करता हूँ वो मीडिया जो उसके बावजूद खड़ा राय हक पे, सच पे कैंपेन चलाई गई। इन्होंने पहले ब्लैकआउट करवाया हमारा, और फिर इन सारों ने आके हम मेरे पर केसेस बनाने शुरू कर दिए। हमें जो 25 हम जब एक पुरअमन एहतजाज कर रहे थे कि बैरूनी साजिश के तहत इनको बैठाया है, वो लोग 60% कैबिनेट जमानत पे। शहबाज शरीफ और उसका बेटे को सजा होने लगी थी FIA केस में। कभी कोई तस्वर कर सकता है कि इलेक्शन कमीशन इजाज़त दे दे इन लोगों को इलेक्शन लड़ने की? उमूमन सारी दुनिया में इलेक्शन कमीशन, अगर आपके ऊपर आप अंडर ट्रायल हो, आपके ऊपर अरबों रुपए के करप्शन के केसेस हो, तो उमूमन इलेक्शन कमीशन कहती है कि पहले अपने आप को क्लियर करो और फिर आके इलेक्शन लड़ो। यहाँ इलेक्शन लड़ा रहे थे अपने आप को क्लियर करने के लिए करप्शन से। ये कभी दुनिया में ऐसे नहीं हुआ कि आप पहले इलेक्शन लड़े, आप इक्तदार में, और फिर अपने केसेस खत्म कर दे, यानी खुद ही मुलजिम ही काजी बन जाए। ये इलेक्शन कमीशन ने इजाजत दी थी इनको। ये लोग आके ऊपर बैठे। 25 मई को मैं कभी नहीं भूलूंगा, कौम निकली, सारी कौम निकली इनके खिलाफ जो इन्होंने ये हमारे मुल्क से जुल्म किया। और इन्होंने उन लोगों के ऊपर जिस तरह का तशद्दुद किया, वो पुलिस वालों ने जो किया पंजाब के अंदर, जो और एक पुलिस वाला मुझे याद है उन्होंने जो किया पंजाब में, ये जो राना सना और शहबाज शरीफ ने ये जो जहाँ जुल्म किया इस्लामाबाद में, और इनको शर्म नहीं आई कि वहाँ फैमिलीज नजर आ रही हैं और उनके ऊपर ये टेयर गैसिंग कर रहे हैं, और सिर्फ इसलिए डर लगे, खौफ फैलाने के लिए कि हम इनको इतना खौफ फैलाएंगे कि ये चुप करके बैठ जाएंगे, क्योंकि ये भेड़ बकरी हैं। ये आपको इंसान नहीं समझते, ये कौम को भेड़ बकरियां समझती हैं कि जो मर्जी आके फीते काट लो और शहबाज शरीफ इधर उधर भाग जाए तो समझे कि जी लोग बेवकूफ़ है, मान जाएंगे। थोड़ी देर के लिए सबको आप पागल बना सकते हैं। सारा वक्त कोई भी इंसान नहीं आया जो कि सब लोगों को पागल बना सके, और ये वाजे हो गया जिस तरह पब्लिक निकली है। इन्होंने डराने की कोशिश की, लोगों ने अपनी जो खौफ का जो बुत है उसको तोड़ दिया, पब्लिक निकला ही बाहर, और पब्लिक ने हर चीज़, इन्होंने वोट्स फेंकी हुई थी लोगों को, फैमिली तो एक फैमिली का इधर वोट है, दूसरा का वहाँ बाहर, यानी जो जो इन्होंने ये इलेक्शन कमीशन ने हरकत करनी थी सब कर दी, उसके बावजूद अवाम ने इनको शिकस्त दी। और मैं वो जो 25 मई को जो कौम खड़ी हुई है उस दिन, और जो उन्होंने बर्दाश्त किया और उसके बाद बार बार निकलती रही है, कभी इतने बड़े जलसे नहीं हुए, उससे ये साबित हो गया जो मैं आज शुरू की थी अपनी तकरीर के, मैं इसलिए आज बड़ा खुश हूँ कि मेरी कौम आज कौम बनने जा रही है। लोग जाग चुके हैं, शऊर आ गया, बेदारी है लोगों के अंदर। अब आप जो मर्जी कर लें, ये जो बोतल से जिन निकला है ना शऊर का, इसको वापस नहीं आप डाल सकते। जो भी कोशिश करेगा आप कि पब्लिक के मैंडेट को चोरी करे, कोई भी समझता है कि बंद कमरे में फैसला कर लेंगे मुल्क के मुस्तकबिल का, अब ये किसी गलत फहमी में ना रहे। ये मुल्क, अब ये कौम हकीकी आज़ादी की तरफ चली गई है। ये जो सारी कैंपेन थी ये लोगों ने इसलिए नहीं की कि जी कोई बाय इलेक्शन हो रहा है, लोग अपनी हकीकी आज़ादी के लिए निकले हुए थे। जो मैंने आज जब जज्बा देखा है, 26 साल की पॉलिटिक्स में मैंने कभी इस कौम में वो जज्बा नहीं देखा, मैंने ऐसे नहीं लोगों को निकलते देखा। और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अब दो ही रास्ते रह गए, जो भी अब कोशिश करेगा ना कि इनको इनका मैंडेट चोरी करने के लिए, वो खुद जिस तरह ये इन्होंने शिकस्त हुई है नून लीग को, उनको शिकस्त हो जाएगी। एक रास्ता है अब कौम का, और वो रास्ता है साफ और शफाफ इलेक्शंस। जो इसके अलावा मैं बार बार कह रहा हूँ, और मैं जब मुझे उन्होंने हटाया वहाँ से, जब हटाने की कोशिश कर रहे थे तो मैंने, आपको पता है कि मैंने इलेक्शंस अनाउंस कर दिए थे, लेकिन फिर वो हमारी अदालतों ने उसको ओवरटर्न कर दिया। मैं अभी भी समझता हूँ कि मुल्क के लिए वो बेहतरीन फैसला था। अगर सियासी इंतशार पैदा ही कर दिया तो बेस्ट तरीका अवाम को फैसला करने दें, कौन किसको वो चाहते हैं कि इस मुल्क की क़यादत करे। मैं अभी भी ये कह रहा हूँ, एक रास्ता है इस कौम का, साफ और शफाफ इलेक्शन। और साफ और शफाफ इलेक्शन इस इलेक्शन कमीशन के अंदर नीचे कभी भी नहीं हो सकता। ये एक मुल्क की जो सबसे बड़ी सियासी जमात है, उसको कोई एतमाद ही इस इलेक्शन कमीशन पर नहीं है। बार बार ये हमें डसा है, बार बार ये हमारे खिलाफ किया है, और इसने खुल के हमारे स्टेटमेंट्स दिए हैं, और हमें पता है ये लाहौर में जाके किन के कदमों में बैठता रहता। मैं ये इस इलेक्शन कमीशनर को आज कहूँगा कि आपके पास रास्ता है, आप रिज़ाइन करें। एक ही आपके लिए तरीका है। आप हो ही नहीं सकता कि जब मैच खेलने जा रहे हैं, दो टीमें हैं, एक टीम कहती है मुझे अंपायर पे एतमाद ही नहीं है। क्रिकेट में भी जब हम मैच खेलने जाते थे, हम कहते थे एक अंपायर पे एतमाद नहीं, उस अंपायर को हटाया जाता था। हमें एतमाद ही नहीं है इसके ऊपर, और ये हमारे ऊपर मुसलत हुआ है। और दूसरी चीज़, जज है ये, अंपायर इलेक्शन के जज भी है, जज का काम कर रहे हैं ना, दो जो कम्पीट कर रहे हैं, जज ने फैसला कर रहे हैं। हर अदालत के अंदर अगर आप एक जज को समझते हैं मुतनाज़े है, वो रिक्यूज़ करता है अपने आप को। तो मेहरबानी करके आपको रिज़ाइन करना चाहिए। हमें कोई आपके ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है, कौम को आपके ऊपर कोई कॉन्फिडेंस नहीं है। आप एक बाइस्ड आदमी हैं और आप एक पार्टी के साथ बिल्कुल जुड़े हुए हैं, और आपने जो सिंध का भी इलेक्शन करवाया, उसका आप ज़रा सिंध के लोगों से पूछें, ज़रा सर्वे करवाएं सिंध में कि जो लोकल गवर्नमेंट का इलेक्शन हुआ है, क्या आवाम उसको तस्लीम करती है। इसलिए मैं आखिर में अल्लाह का शुक्र फिर से करता हूँ, अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमारे ऊपर नज़र है, हम उनकी उम्मत हैं। मैं अपनी आवाम का, ख़ास तौर पर फिर से अपने नौजवानों का, अपनी ख़वातीन का, इनका सब मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, जिस तरह वो जिस तादाद में निकले। और मैं उस मीडिया का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हर प्रेशर के बावजूद उन्होंने हमारी सपोर्ट की। उन्होंने हमें ब्लैक आउट नहीं किया, हमें मौका दिया अपना मौक़िफ़ रखने का, और मुझे पता है कि किस तरह के प्रेशर्स थे। अब पाकिस्तान को आगे बढ़ना चाहिए, हमारे सामने बड़े चैलेंजेस हैं। जो साजिश के तहत मुल्क को डिस्टेबलाइज कर दिया और मायशत जो नीचे जा रही है, अवाम महंगाई में पिस गई है। आज हालात देखें कि आज जो पेट्रोल और डीज़ल है उसकी कीमत देखें कि इन्होंने 18 रुपए पेट्रोल कम किया है और 35 रुपए डीज़ल कम किया, और पहले डीज़ल को 130 रुपए बढ़ा दिया और पेट्रोल को 100 रुपया बढ़ा दिया। इंटरनेशनल मार्केट के अंदर आज जब हम गए थे तो तेल बिक रहा था 103 रुपए, 103 डॉलर पे बिक रहा था तेल, आज वो 95 पे पहुंच गया। तो इनको नीचे करना चाहिए, इस वक्त भी लोगों के ऊपर कम बोझ डालना चाहिए, लेकिन मायशत तब ठीक होगी जब यह सियासी स्टेबिलिटी आएगी, इस्तेकाम होगा। और इसलिए मैं आज सारी अपनी कौम को अपील करता हूँ कि हम सबको अब एक ही तरफ देखना चाहिए कि कैसे हम इस मुल्क में साफ़ और शफाफ इलेक्शन करवा के इस मुल्क को अब उठा सकते हैं, डेवलपमेंट की तरफ ले सकते हैं। मेरा जो तजर्बा हुआ है 3.5 साल में, एक दफ़ा सियासी स्टेबिलिटी आ जाए मुल्क में, सियासी इस्तेकाम आ जाए, ये मुल्क के अंदर इतना बड़ा पोटेंशल है बढ़ने का। और सबसे बड़ा, आखिर में मैं कह भी दूँ, जो पोटेंशल है, देखिए हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ने में हमारा सबसे मसला क्या है कि हमारे डॉलर कम हो जाते हैं, हम बढ़ने लगते हैं इकॉनमी, क्योंकि हमने कभी एक्सपोर्ट्स पर तवज्जो नहीं दी, डॉलर कम होने शुरू हो जाते हैं, हमें IMF के पास जाना पड़ता है। लेकिन हमारा इतना बड़ा असासा बैठा हुआ है बाहर, बैरून मुल्क पाकिस्तानी, ये हमारा बहुत बड़ा असासा है। हम जैसे जैसे यहाँ सियासी इस्तेकाम आता जाएगा, स्टेबिलिटी आती जाएगी, ये लोग इन्वेस्ट करेंगे पाकिस्तान में। ये तब तक नहीं इन्वेस्ट करेंगे जब तक ये मुल्क के अंदर ये जो बुरहान रहेगा सियासी, ये है हमारा असासा। इनको, इनका पैसा लाने के लिए, डॉलर्स लाने के लिए हमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए, उसके लिए हमें साफ और